हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास पोको का पोको एम थ्री का डिवाइस है तो दोस्तों फाइनली पोको एम थ्री डिवाइस के यूजर्स के लिए काफ़ी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों पोको एम थ्री डिवाइस में यार काफ़ी मेजर अपडेट यहां पे आज से रोल आउट होना शुरू हो चुका है, जो कि 12.5 एनहांस एडिशन प्लस एंड्रॉइड 11 का अपडेट एक साथ देखेंगे यहाँ पे रोल आउट होना शुरू हो चुका है। वैसे दोस्तों जो अपडेट है दो चार दिन पहले से देखेंगे पायलट टेस्टिंग के रूप में रिलीज होना चालू हो गया था, बट दोस्तों आज से देखेंगे नॉर्मल यूजर्स के लिए ये जो अपडेट यहाँ पे रिलीज होना चालू हो चुका है। वैसे दोस्तों इस अपडेट के बाद आपके फोन में काफी सारे मेजर चेंज लॉक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर्स है, बैटरी में परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है, लेटेस्ट आपको गेम टर्बो का फीचर मिल जाता है, आपको कंट्रोल सेंटर में चेंजेस मिल जाते हैं, काफी सारे अमेजिंग फीचर्स आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिल जाते हैं। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली पोको M3 डिवाइस के यूजर्स का इंतजार यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों पोको M3 डिवाइस के लिए मेजर अपडेट जो कि तीन अपडेट यहाँ पे एक साथ रिलीज किया गया है, जैसे कि एंड्रॉइड 11 का अपडेट है, 12.5 का अपडेट है एंड 12.5 एनहांस्ड एडिशन का अपडेट जिसका लगभग साइज 2.6 GB का है एक साथ देखेंगे आज से रोल आउट करना चालू किया गया है। तो चलिए अपडेट के बाद आपको कौन कौन से चेंजेस मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे एंड अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे MIUI 12.5 का यहाँ पे एनहांस वर्जन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों वर्जन के ऊपर के साइड में देखेंगे आपको यहाँ पे एनहांस मेंशन किया गया एंड इस एनहांस एडिशन का वर्जन 12.5.1.0 है। एंड व्हाट्सएप में जाएंगे तो व्हाट्सएप में आपको ज्यादा कुछ भी यहाँ पे चेंज लॉक देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको एक्चुअल में काफी सारे चेंज लॉक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अबाउट फोन सेक्शन में देखेंगे आपको जो एंड्रॉइड का वर्जन है, एंड्रॉइड 10 से सीधा एंड्रॉइड 11 का मेजर अपग्रेड आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसी अपडेट के लिए काफी सारे लोग यार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली पोको M3 डिवाइस में भी देखेंगे एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों एंड्रॉइड 11 के भी फीचर्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि आपको 1/11 मतलब कि 1 नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। मुझे लगा था कम से कम इसमें आपको दिसंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा, बट आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। चलिए दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप अपडेट करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पे स्वाइप टू स्विच बिटवीन कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेयर के एक पॉपअप मैसेज मिल जाएगा, जस्ट आपको ओके कर देना है, क्योंकि दोस्तों अब अपडेट के बाद आप आसानी से कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन सेट्स में यहाँ पर स्विच कर सकते हैं जस्ट स्वाइप करने के बाद। वैसे ये जो फीचर्स है इंडिया में सभी 12.5 डिवाइस में देखने को मिल जाता है, जस्ट कंट्रोल सेंटर ओपन कीजिए उसके बाद स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन शेड्स में स्विच कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन शेड से स्वाइप करेंगे तो आप आसानी से फिर से कंट्रोल सेंटर में स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कंट्रोल सेंटर में एक और छोटा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि है परमानेंट ब्राइटनेस बार। ये दोस्तों 12.5 के बाद आपको जो ब्राइटनेस बार देखेंगे कंट्रोल सेंटर ओपन करने के बाद, मतलब कि फुल करने के बाद भी देखेंगे यहाँ पे रिमूव नहीं होता है, मतलब कि आपको कंट्रोल सेंटर फुल करने के बाद भी नीचे के साइड में यहाँ पे ब्राइटनेस बार शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन शेड्स को ओपन करेंगे तो नोटिफिकेशन शेड्स में भी आपको चेंज लॉक फीचर्स देखने को मिल जाता है, तो किसी भी इनकमिंग नोटिफिकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एलो स्नूज एंड मोर सेटिंग्स ऐसे तीन शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो फीचर्स है पहले आपको देखने को नहीं मिलता था, बट 12.5 के बाद देखेंगे किसी भी नोटिफिकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको तीन शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यूआई के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम बार पैनल भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। इससे पहले दोस्तों आपको सिलिंड्रिकल टाइप के यहाँ पे वॉल्यूम बार पैनल देखने को मिलता था, बट आपको यहाँ पे ग्रिड टाइप मतलब की काफी हेवी टाइप के ग्रिड टाइप के वॉल्यूम बार पैनल देखने को मिल जाते हैं। एंड नीचे के साइड में देखेंगे आपको साइलेंट एंड डीडी के बटन मिल जाते हैं एंड उनके आगे आपको टाइमर्स का भी फीचर मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको साइलेंट एंड डीडी करना है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए या फिर दो घंटे के लिए, तो आप इजिली टाइमर को भी सेट करके रख सकते हैं। आफ्टरऑल ये जो टाइमर खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली साइलेंट एंड डीडी यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। सो वॉल्यूम बार पैनल एंड उनके नीचे देखेंगे आपको ये चेंज लॉक फीचर्स 12.5 एनहांस अपडेट के बाद देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन एंड एनिमेशन के बारे में बात करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस का देखेंगे ओपनिंग एनिमेशंस एंड जो क्लोजिंग के एनिमेशन से काफी आपको स्मूथ लेवल का देखने को मिल जाता है। काफी सारे डिवाइस में देखेंगे 12.5 के बाद आपको जो एप्लीकेशंस का एनिमेशन
एप्लीकेशन रहता है उसको रिमूव किया गया है। बट दोस्तों पोको M3DS में देखेंगे आपको एप्लीकेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो एनिमेशन से काफी स्मूथ देखने को मिल जाता है। एंड एंड्रॉइड 11 के बाद आपको स्वाइप अप नेविगेशन बार भी मिल जाता है जिसके वजह से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में इजिली स्विच कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड 11 का इम्पोर्टेंट फीचर्स जो कि आपको चैट बबल का भी फीचर पोको M3DS में इनेबल हो चुका है। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी अपर चैटिंग एप्लीकेशन है जैसे कि मैसेंजर से टेलीग्राम से व्हाट्सएप है सिग्नल से कोई भी अपर चैटिंग एप्लीकेशन तो इजिली आप देखेंगे जितने सारे मैसेज आते हैं तो उनको आसानी से चैट बबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो किसी भी चैटिंग एप्लीकेशन का अगर कोई मैसेज आता है मतलब कि नोटिफिकेशन आता है ऊपर के साइड में तो जस्ट कॉर्नर पे एक छोटा सा आपको आइकॉन देखने को मिल जाएगा डॉट का आइकॉन उसके ऊपर क्लिक करना है तो जितने सारे मैसेज ऑटोमेटिकली चैट बबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी फीचर आपको एंड्रॉइड 11 के बाद अपने पोको M3DS में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों रिसेंट पैनल के बारे में बात करेंगे तो रिसेंट पैनल में देखेंगे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको जो फ्लोटी विंडो का फीचर है उसको गायब किया गया है। तो रिसेंट पैनल के किसी भी टैब के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको लॉक स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन एंड सेटिंग आइकॉन देखने को मिल जाता है। तो जो फ्लोटी विंडो को शॉर्टकट से ऊपर के सर में भी देखने को नहीं मिलता है एंड नीचे के सर में भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि सारे के सारे आपको सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं। तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कनेक्शंस एंड शेयरिंग के अंदर मिल जाता है। कनेक्शंस एंड शेयरिंग में देखेंगे नीचे के साइड में आपको एंड्रॉइड ऑटो का फीचर मिल जाता है। सो एंड्रॉइड ऑटो एक फीचर है जो कि अपना फोन यहाँ पे अगर आपको कार को कनेक्ट करना है तो कार को कनेक्ट करने के लिए ये फीचर मिल जाता है। वैसे जो फीचर्स है आपको एंड्रॉइड 11 के बाद ही देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको मल्टीमीडिया या फिर जो भी मैसेजेस है जो भी नोटिफिकेशन अगर आपको कार को कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीडिया एक्सेस करना है तो अपने फोन को कार को कनेक्ट करने के लिए इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपके पास किसी भी टाइप का क्रोमबुक है तो क्रोमबुक को कनेक्ट करने के लिए भी आपको एंड्रॉइड 11 के बाद आपको क्रोमबुक का भी फीचर मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों कनेक्शन एंड शेयरिंग की बात चल रही है तो आपको यहाँ पे वाईफाई के अंदर जो स्कैन का फीचर रहता है तो स्कैन के फीचर के अंदर भी आपको एक शेयर वाईफाई का एक फीचर मिल जाता है जो कि क्यूआर कोड का फीचर रहता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको अपने फ्रेंड को यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड बताने यहाँ पर दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं सिंपल अपना जो भी वाईफाई का जो क्यूआर कोड रहता है अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। इससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैन का ही फीचर मिल जाता है बट उसके नीचे आपको शेयर वाईफाई क्यूआर कोड का भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको लॉक स्क्रीन के अंदर मिल जाता है। तो लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस अनलॉक ये फीचर मिल जाता है। वैसे दोस्तों अनलॉक कंडीशन में भी आपको चार्जिंग एनिमेशन शो करेगा लेकिन ये सभी एप्लीकेशंस के लिए वर्क नहीं करेगा। कुछ यहाँ पर देखेंगे वीडियो प्लेबैक्स मतलब कि फुल स्क्रीन सीन्स वाले एप्लीकेशंस के लिए वर्क करता है। सो अगर आपके फोन में वर्क करता है तो यार आप मुझे जरूर शेयर कर सकते हैं। तो ये भी फीचर आपको 12.5 के बाद मिल जाता है। इसके बाद सब बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर मिल जाता है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद आपको साउंड असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दो फंक्शन मिल जाते हैं जैसे कि एडजस्ट मीडिया इन मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस। तो दोनों के दोनों फीचर्स को इनेबल करना है एंड दोनों को इनेबल करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपके पास मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस है मतलब एप्लीकेशन है जैसे कि मी म्यूजिक में मैंने एक गाना प्ले किया है उसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब में भी देखेंगे कुछ एक गाना प्ले किया है एंड दोस्तों दोनों एप्लीकेशन में देखेंगे यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम बार पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा टॉगल मिल जाता है। तो सबसे पहले मीडिया वॉल्यूम बार देखेंगे जो कि डिवाइस का है, दूसरा मीडिया वॉल्यूम बार जो कि यूट्यूब का है एंड तीसरा मीडिया वॉल्यूम बार जो कि यार मी म्यूजिक का है। तो इस प्रकार से देखेंगे मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस का मतलब कि गाना प्ले कर सकते हैं एंड उनका जो वॉल्यूम है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी काफी शानदार फीचर्स आपको एंड्रॉइड 11 के बाद आपके फोन में यहाँ पे इनेबल्ड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन में और भी चेंजेस मिल जाते हैं जैसे कि आपको नीचे के साइड में नोटिफाई अबाउट कॉल एंड नोटिफाई अबाउट रिपीटेड कॉल का भी फीचर मिल जाता है जो कि एनहांस सॉल्यूशन के बाद आपको मिल जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको बार बार यहाँ पे किसी का मिस कॉल आता है जैसे कि नोन नंबर है या फिर अनोन नंबर है तो इन फीचर को इनेबल करने के बाद आपको ऊपर के साइड में भी देखेंगे यहाँ पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन जैसा आपके यहाँ पर मेंशन हो जाएगा ताकि आप यहाँ पर क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका मैसेज मतलब इसका कॉल आपको बार बार आता था। इसके बाद एडिशनल सेटिंग में भी आपको एक छोटा सा चेंजेस मिल जाएगा मतलब जो भी फंक्शंस के टेक्स्ट के नेम थे बस उनका नेम यहाँ पे चेंज किया है। इससे पहले आपको शॉर्टकट्स था जैसे कि डिलीट स्क्रीनशॉट था डिलीट अनइंस्टॉल्ड एप्स था बट इस अपडेट के बाद देखेंगे आपको इन फंक्शंस के जो टेक्स्ट थे वो यहाँ पर चेंज किए गए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉग फीचर्स के बारे में जो कि आपको नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में मिल जाता है। इससे पहले दोस्तों आपको जो कंट्रोल सेंटर था चेंज करने के लिए आपको डिस्प्ले के सेटिंग में जाना पड़ता था बट दोस्तों एंड्रॉइड 11 के बाद आपको नोटिफिकेशंस के अंदर कंट्रोल सेंटर स्टाइल चेंज करने का फंक्शन मिल जाता है।
है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कंट्रोल सेंटर यहाँ पे चेंज करना है जैसे कि ओल्ड वर्जन या फिर न्यू वर्जन का, तो आप इजिली नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों, खुशी की बात यह कि आपका जो कंट्रोल सेंटर है ट्रांसपेरेंट मतलब कि ब्लर इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको स्मार्ट डिवाइसेस ऐड करना है जैसे कि मी होम्स है, उसके बाद एंड्रॉइड आर मतलब स्टार ए को इनेबल करना है तो भी आप इजिली इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर मिल जाता है। तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर आपको बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड ऐसे मोड मिल जाता है। ये जो फीचर से आपको एनहांस एडिशन के बाद मिल जाता है एंड हर एक मोड का देखेंगे आपको अलग सा एनिमेशन मिल जाता है, जैसे कि सेव बैटरी है, बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड है। एंड तीनों मोड को इनेबल करने के बाद कितना बैटरी बैकअप मिल जाता है वो भी आपको पता चल जाता है। जैसे कि बैटरी सेवर में 29 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा, बैलेंस मोड में 24 आवर्स का एंड परफॉर्मेंस मोड में 22 आवर्स का बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। एंड परफॉर्मेंस मोड को इनेबल करने के बाद आपको थोड़ी सी लिटिल बिट इंप्रूव परफॉर्मेंस मिल जाएगी। वैसे दोस्तों, अगर आपके फोन में ये फीचर इनेबल नहीं हो चुका है तो इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो भी वीडियो आप चेकआउट करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगले फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एप्स के कैटेगरी में मिल जाते हैं। तो एप्स के कैटेगरी में जाएंगे एंड एप्स के कैटेगरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे दो फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स एंड अनइंस्टॉल्ड सिस्टम एप्लीकेशंस। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स। तो अपने फोन में देखेंगे जितने सारे सिस्टम के एप्लीकेशन है, अगर आपको होम स्क्रीन से उसको रिमूव करना है तो इजिली रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले भी दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर इजिली होम स्क्रीन से उसको आसानी से रिमूव कर सकते थे, बट पता नहीं दोस्तों क्यों ये फीचर दिया है। इससे बदले दोस्तों काफी सारे लोगों को अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स इस फीचर का वेट है, बट दोस्तों पोको या फिर Xiaomi किसी भी फोन में देखेंगे 12.5 के बाद ये फीचर अभी तक इनेबल नहीं हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो कि आपको एडिशनल सेटिंग में मिल जाता है। तो दोस्तों एडिशनल सेटिंग पे जाइए। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले में देखेंगे स्वाइप अप नेविगेशन बार का फीचर मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड 11 के बाद आपको सभी पोको के फोन में नीचे के साइड में स्वाइप अप नेविगेशन बार का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में काफी क्विकली स्विच कर सकते हैं। तो वन टैप से दूसरे टैप में देखेंगे स्वाइप करने के बाद यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। वैसे ये फीचर आपको पहले देखने को नहीं मिलता था, बट एंड्रॉइड 11 के बाद आपके भी फोन में ये फीचर इनेबल्ड हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों एडिशनल सेटिंग में देखेंगे आपको एनहांस्ड एडिशन के बाद मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर मिल जाता है। तो एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद नीचे के साइड में आपको मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है, जस्ट इसको इनेबल करने के बाद आपको वन टाइम डिवाइस का रिबूट करना है ताकि आपके फोन में ये फीचर इनेबल्ड हो जाता है। लेकिन यार मेरे पास देखेंगे 6GB का वारंटी, फिर भी मुझे यहाँ पे 1GB का मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है। मेमोरी एक्सटेंशन मतलब ये रैम एक्सपेंशन का फीचर मिल जाता है, जो कि एक वर्चुअल रैम का फीचर मिल जाता है जो कि एनहांस्ड एडिशन के बाद सभी फोन्स में इनेबल्ड हो जाता है। तो फाइनली आपके पोको M3 डिवाइस में भी ये फीचर मिल जाता है। इसके बाद ऐसा बात करेंगे अगले फीचर्स के बारे में जो कि आपको ज्यादातर स्पेशल फीचर्स के अंदर मिल जाता है। वैसे दोस्तों स्पेशल फीचर्स में जाएंगे एंड वीडियो टूल बॉक्स में जाएंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। एंड उसके बाद दोस्तों ऊपर यहाँ पे जो गेम टर्बो है, तो गेम टर्बो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट गेम टर्बो का फीचर मिल जाता है। वैसे दोस्तों यूआई में बात करेंगे तो ज्यादा कुछ खास यहाँ पे चेंजेस तो देखने को नहीं मिलता है। एंड पोको M3 डिवाइस में देखेंगे आपको पहले से यहाँ पे वॉइस चेंजर का फीचर मिल जाता है। एंड गेम टर्बो में देखेंगे आपको एनहांस सॉल्यूशन के बाद जो यूजर इंटरफेस रहता है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन का यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो आपको लेफ्ट साइड में फ्लोटिंग विंडो का भी फीचर मिल जाता है। बाकी दोस्तों जो वॉइस चेंजर का फीचर यार पोको M3 डिवाइस में पहले से देखने को मिल जाता था, क्योंकि पोको M3 पहला ऐसा बजट फोन था जिसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स वॉइस चेंजर का फीचर देखने को मिलता था। इसके बाद दोस्तों आपको जो टाइमर का फीचर है, टाइमर का भी फीचर मिल जाता है। एंड ऊपर के साइड में देखेंगे तो आपको गेमिंग मोड का भी फीचर मिल जाता है। तो गेमिंग मोड में देखेंगे आपको बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड ऐसे दो मोड मिल जाता है। परफॉर्मेंस मोड को इनेबल करेंगे तो आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है थोड़ा सा बेटर लेवल का मिल जाएगा, बट बैटरी यहाँ पर ज्यादा ड्रेन हो जाएगा। सो इसके बाद आपको बैलेंस मोड भी मिल जाता है, तो अगर आपको बैलेंस मोड में गेम करना है तो बैलेंस मोड में भी गेमिंग को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेटिंग्स में एंड यूएम देखेंगे बस आपको इतने ही चेंज लॉक फीचर्स मिल जाते हैं जो कि MIUI 12.5 एनहांस्ड एंड एंड्रॉइड 11 के बाद आपके फोन में इनेबल्ड हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सिस्टम के एप्लीकेशन में कुछ आपको मेजर चेंज लॉक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको जो कैमरा एप्लीकेशन है, तो कैमरा एप्लीकेशन में देखेंगे आपको जो यूजर इंटरफेस है वो भी चेंज हो जाता है। नॉर्मली दोस्तों 12.5 के बाद आपको सभी फोन्स में देखेंगे लेटेस्ट कैमरा का यूआई देखने को मिल जाता है। फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे तो कैमरा का जो फोटो मोड है, उसके बाद जो वीडियो मोड है, उसमें भी आपको 4 फिल्टर्स ऐड किए गए हैं। वीडियो मोड के बारे में बात करेंगे तो ऊपर के साइड में देखेंगे वैसे मुझे कुछ ज्यादा खास तो यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिला है, बट आपको फिल्टर्स ऐड किए गए। एंड लिटिल बिट नॉर्मली बात करेंगे तो आपको जो यूआई मिल जाता है 12.5 जैसे
इंटरफेस आपको यहाँ पे यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। चलते चलते दोस्तों बात करेंगे आपको 12.5 के बाद पोको M3 डिवाइस में जो नोट्स एप्लीकेशन मिल जाता है उसमें भी काफी सारे चेंजेस मिल जाते हैं। तो नोट्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड मल्टीपल नोट्स के ऊपर देखेंगे, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसके यहाँ पर फोल्डर भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सो मल्टीपल नोट्स को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद उनका फोल्डर क्रिएट करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्केच में देखेंगे आपको स्केचिंग में ऑटो स्केचिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो ऑटो स्केचिंग फीचर कैसा है, मान के चले दोस्तों पेंट में जाना है, मतलब कि जो भी स्केच में आपको किसी भी टाइप के यहाँ पर पेंट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपको होल्ड करना है, प्रेस एंड होल्ड करना है, जैसे कि स्क्वायर है उसके बाद रेक्टेंगल है, आपको जस्ट ड्रॉ करने के बाद उसको लॉन्ग प्रेस करना है ताकि आपका जो शेप है एक्चुअल शेप यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों ऊपर के साइड में सेटिंग में जाएंगे एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्विक नोट्स का भी फीचर मिल जाता है। तो क्विक नोट्स एंड एक्सेप्शन रहता है, मतलब भी रिमाइंडर्स रहता है, उनको भी इनेबल कीजिए। उनको इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे होम स्क्रीन पे आप इजीली शॉर्टकट के जरिए जितने सारे रिमाइंडर्स आपने सेट किए थे उनको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जितने सारे नोट्स आपने सेट करके रखे थे उनके ऊपर इजीली होम स्क्रीन पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई कुछ काम यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पर चेक करना है, मतलब नोट्स को यहाँ पर जल्दी जल्दी चेक करना है, रिमाइंडर्स को चेक करना है, तो जस्ट स्वाइप करने के बाद उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी फीचर आपको नोट्स एप्लीकेशन में क्विक नोट्स के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों है ना काफी कमाल का अपडेट, जो कि आपको एंड्रॉइड 11, MIUI 12.5 एंड 12.5 एना सॉल्यूशन तीनों अपडेट आपको पोको M3 डिवाइस में देखेंगे फाइनली यहाँ पे आज से रोल आउट होना चालू हो चुका है, जिसके वजह से आपके फोन में काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये फीचर्स आपको कैसे लगे आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।